हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पेर विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम प्यारे। दोस्तों अब पेंशन धारकों को इंतजार है कि उनके खाते में 2750 रुपए पेंशन कब डलेगी। जहां पर भी पेंशन निकलवाने जाते हैं वहां पर पूछते हैं इस बार पेंशन कितनी आई। अगर बताते हैं कि 2500 रुपए आई है तो पूछते हैं कि 2750 रुपए कब आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपका जो इंतजार है 2750 रुपए पेंशन का बढ़ोतरी के साथ वो खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? अगर आपको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है या कोई और पेंशन आपको मिलती है, या आपके दादा दादी को पेंशन मिलती है या माता पिता को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों अगर आपको इंतजार है कि पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी यानी पेंशन बढ़कर खाते में कब आएगी। क्योंकि दोस्तों बढ़ोतरी तो हरियाणा सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी, बढ़ोतरी तो पेंशन में हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार है पेंशन खाते में कब आएगी। तो चलिए आपको बताते हैं पेंशन आपके खाते में 2750 रुपए कब आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बढ़ोतरी है वो 1 अप्रैल से लागू हो गई है और आपको पता होगा कि जो पेंशन हमें मिलती है हरियाणा में वो पेंशन पिछले महीने की होती है, यानी अब जो अप्रैल महीने में आएगी वो मार्च महीने की आएगी। और दोस्तों 1 अप्रैल से बढ़ोतरी लागू हुई है तो इसका मतलब है जो अप्रैल वाली जो पेंशन है वो हमारी 2750 रुपए आएगी। अब अप्रैल की पेंशन कब आएगी, क्योंकि मार्च की पेंशन अप्रैल में आएगी तो अप्रैल की पेंशन फिर मई में आएगी। तो दोस्तों जो आपकी बढ़ोतरी के साथ पेंशन है वो आपको अगले महीने ही देखने को मिल जाएगी। अगले महीने की जब पेंशन आएगी यानी एक पेंशन आपको 2500 रुपए मिलेगी, एक पेंशन और 2500 यानी 2500 रुपए मिलेगी, और उसके बाद जो अगली पेंशन आएगी मई महीने में जब आपको पेंशन मिलेगी तो जो आपकी पेंशन है वो 2750 रुपए आपको मिल जाएंगे 250 रुपए बढ़ोतरी के साथ। जो भी पेंशन आपको मिलती है उसमें दोस्तों 250 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, उसमें 250 रुपए जुड़कर आपको मिलेंगे। चाहे आपको कोई भी पेंशन मिलती हो, सभी पेंशनों में 250 रुपए की बढ़ोतरी हरियाणा सरकार ने कर दी है। और जो बढ़ोतरी की पेंशन है वो आपको मई महीने में मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से रूल लागू हो गया है और अप्रैल की पेंशन मई में आएगी, इसलिए आपको मई में बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिल जाएगी। तो आप अब इंतजार छोड़ दें कि जो आपका इंतजार है वो अब समाप्त होने वाला है और अब आप किसी से न पूछें, क्योंकि जब भी आप मई में जाएंगे तो आपको बिना पूछे ही अगर आप बैंक में जाते हैं तो अपना फॉर्म भर के अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं। अब आपको पूछना भी नहीं है और जहां पर भी आप पेंशन लेने जाते हैं आपको मई महीने में जो पेंशन है वो 2750 रुपए ही मिलने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।